हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आई स्टार्क एंड नाउ विल एंड अप आर एक्सरसाइज 6.2। नाउ देखो, क्वेश्चन में 15 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई भी टफ नहीं है। लेट आई बी एन इंटरवल, आई बी एन एन आई मतलब एन इंटीजर, ठीक है ना? आई मतलब इंटीजर, बी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। -1 से 1 में क्या होगा? ये डिसजॉइंट होगा। पहले समझो, आई मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीजर। प्लीज बुक में मैंशन कर दो आई मतलब इंटीजर। -1 से 1 प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स एक्स प्लस 1/s इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों कि -1 ये रहा, 1 ये रहा, ये माइनस इन्फानेट, ये इन्फानेट। ये क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, प्लस मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, पर इस जगह डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब वहाँ पे वैलिड नहीं है, या तुम समझ लो कि माइनस साइन आ रहा है, कुछ भी समझ लो। यहाँ पे डिसजॉइंट नहीं, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग नहीं है। -1 से 1 में ये इंक्रीजिंग नहीं है, बस उसके अलावा पूरे इन्फानेट तक इधर भी -1 से इधर और 1 से उधर पूरा ये क्या है यहाँ पे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बस ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पे ये इंक्रीजिंग नहीं है। नाउ कैसे प्रूव करते हैं? आपको दिल से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ यार मुझे समझ में आया है, ठीक है? देखो, पहली बात तो ये कर रहा है बात इंटीजर की। सब लोग प्लीज लिखें कि ये बात इंटीजर की कर रहा है। सो एफ एक्स गिवन है x प्लस 1/x, एफ डैश एक्स निकालना है अपना जो हिसाब है, तो 1 -1/x2। आई थिंक सबको 1/x का डिफ्रेंशिएशन करना आता है। हमने पास्ट कितने वीडियोस में सीख लिया है 1/x, 1/x2, 1/x3 क्या होता है -1/x2। फिर भी नहीं आता है, किसी ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देखें। फिर भी करना चाहते हैं तो a/b, u/v क्वोशेंट रूल से 1/x का डिफ्रेंशिएशन कर डालें, ठीक है? आपको मिल जाएगा -1/x2। सो बच्चों, जरा इसका एलसीएम ले लें अपन, x2 -1/x2। सो फाइनली जो डिफ्रेंशिएशन आया है वो क्या है? x2। अरे एलसीएम लिया बच्चों, ठीक है, परफेक्ट। नाउ एफ डैश एक्स 0 के बराबर। भाई रूल जो मैंने सीखा है ना वो ही सीखो। ये वहाँ गया तो x2 -1 = 0, x = क्या आया? क्या आया बच्चों? +-1। दिस आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, परफेक्ट। नाउ मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाए कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो एक -1 1, इधर -∞, इधर इन्फानेट, ये बात बताई होगी। अब मुझे इंटीजर मतलब इंटीजर समझ में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3 एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉन एज इंटीजर। एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों इज नॉन एज इंटीजर। ना देखो, आपको पता है कि बीच वैल्यू उठाएंगे और कहाँ रखेंगे हम लोग? एफ डैश एक्स में। जरा देखो, 1 से आगे ले लो, 2 ले लो, 2 का स्क्वायर 4 -1/4, तो 3 अपॉन 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो बच्चा यहाँ पे क्या आया मुझे? पॉजिटिव। जरा इधर देखो, -1 से इधर लो, -2 ले लो, -2 का स्क्वायर 4, -1/-2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 वापस आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर भी मुझे क्या मिला बच्चा? पॉजिटिव मिला। जरा यहाँ देखो, -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 0 रखा मैंने अगर बच्चों, 0 -1 पर anything upon 0 is not defined, बोले तो उसको क्या दे दिया इसने? डिसजॉइंट दे दिया। तो बच्चा इस वाले पार्ट में डिसजॉइंट आ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक ये क्या आ रहा है? डिसजॉइंट। क्या मीनिंग समझ में आया? 0 रखा और anything upon 0 इज नॉट डिफाइंड, या इस क्वेश्चन ने नाम दिया है डिसजॉइंट। सो इट्स क्लियरली सीन गाइस कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई एक्सेप्ट -1 से, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है, एक्सेप्ट -1 से 1। क्लियर हो गया बच्चों? सो कैसे लिखेंगे? सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई कर दो और माइनस कर दो बच्चा कौन सा? -1 से 1, बिकॉज -1 से 1 हमने लिया ही नहीं है, तो -1 से 1 को मैंने माइनस कर दिया। ये सिंबल किसका है? माइनस करने का, ठीक है? यहाँ पे पूरे इंटीजर्स में से -1 से 1 वाले को मैंने माइनस कर दिया। क्लियर बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन,
prove that the function f given by fx equals to log sin x is strictly increasing on 0 से pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 से pi. ठीक है यहाँ पे. नाउ देखो बच्चों, इसमें क्या करने का है हमको, कुछ नहीं, हमको जो फंक्शन गिवन है log x sin x f dash x करें, log का डिफरेंस होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन sin x हो गया और sin का हो जाएगा cos x. सबको डिफरेंशिएट पता है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है. लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है तो लॉग का 1 अपॉन साइन एक्स, साइन का कॉज एक्स, कुल मिला के मेरे बट एफ डैश आया वो क्या है कॉट एक्स आया. नाउ मुझे बोल रहा है कि प्रूव दैट इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से पाई बाय 2. मैंने पहले भी बोला है कि 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई. भाई सबको पता है ना, ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है. क्या बात क्लियर है यहाँ पे? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. चले यहाँ से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट. सो गाइस वी नो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, कॉट इज पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट इज नेगेटिव. ध्यान रखना, सबको अच्छे से पता है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन एंड कॉस है, यहाँ टैन एंड कैट कॉट और यहाँ पे कॉस एंड सेक. परफेक्ट. चलो सो बस अब हमको लिखना है, लैंग्वेज लिखना है. सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन x belongs to 0 से pi by 2 as it is in first quadrant. So function is strictly increasing in 0 से pi by 2. And last wala f dash x is less than 0 in x belongs from pi by 2 से pi as it is in second quadrant. Definitely वहाँ cot negative होता है. So function is strictly decreasing in pi by 2 से pi. आई बस में बहुत इजी था, बहुत इससे इजी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है. परफेक्ट, चलने अपन आगे बच्चों. सो बच्चों क्वेश्चन 17 पे आते हैं. प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स कुछ लॉग कॉज एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पाई बाय 2 से पाई. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन गाइस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. ठीक है यहाँ पे बट एफ डैश एक्स में फर्क आ जाएगा हल्का सा. लॉग कॉज एक्स है, टाइम वेस्ट करते चालू करते हैं अपन अपना क्वेश्चन को. लॉग का हो जाएगा कॉज एक्स, कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स. बोले तो कितना आया माइनस टेन एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सो बच्चों एफ डैश एक्स कितना है मेरे पास, माइनस का टेन एक्स. परफेक्ट, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं किसी के भी. नाउ देखो आपस वही बात कर दी इस क्वेश्चन ने कि जीरो गिवन है, पाई बाय टू गिवन है, पाई गिवन है, थ्री पाई बाय टू गिवन है. अपने तो इन दोनों से काम है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जीरो से पाई. जीरो से पाई में हम जानते हैं कि टेन तो होता है पॉजिटिव, बट पॉजिटिव इनटू नेगेटिव ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. बात समझ नहीं? फिर बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई बाय टू से पाई. पाई बाय टू से पाई में टेन नेगेटिव होता है, पता है ना? बट क्या टेन नेगेटिव हुआ, पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल फंक्शन मेरा क्या हो गया, इंक्रीजिंग. ये बात पता है ना, हमको ओवरऑल फंक्शन देखना पड़ता है. मुझे इंडिविजुअल 10 से मतलब नहीं है, मतलब 10 के साथ और कौन कौन सी पार्टी जुड़ी हुई है उनको मिला के, सबका साइन मिला के हमको देखना पड़ता है कि एफ डैश एक्स की क्या हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव. क्या फंडा क्लियर? पक्का श्योर? डैम श्योर? चलो सो इन इंटरवेल कौन सा, 0 से लेके पाई बाय 2 क्या होता है, टेन एक्स तो क्या होता है बच्चों, जीरो से बड़ा, बट माइनस टेन एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो. बोले तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो गया, जीरो से छोटा. तो मन से मैं सब कुछ लिखता हूँ ना, सब मन से लिखता हूँ, मुझे कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसा लिखो कि एग्जाम मेरे को समझ में आए. ठीक है ना? सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या है हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन है. कब? जब ऑन 0 से लेके पाई बाय 2. फंडा क्लियर? एंड लास्ट ये जो ए पार्ट हुआ मेरा, बी पार्ट
ऑन इंटरवल कौन सा, जब एक्स आ रहा है पाई बाय टू से लेके पाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नो क्या हो रहा है इसमें, टेन एक्स क्या होता है बच्चों, लेस देन जीरो होता है सबको पता है, बट माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, ग्रेटर देन जीरो। बोलो तो एफ डैश एक्स तुम्हारा क्या हो गया, जीरो से बड़ा। या डायरेक्ट लिखो कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से, पाई बाय टू से पाई। क्या क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अगर बोर्ड में आता भी है ना, टू मार्क्स के ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, एक मार्क्स ये रहा एक मार्क्स वो रहा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है चले अपन आगे, चलो। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर, ये आर पे, आर मतलब रियल वैल्यूज, आर मतलब क्या होता है बच्चों ध्यान रखना, रियल नंबर्स। ठीक है, संसार के सारे नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, रूट थ्री रूट फाइव सब कुछ इसमें आ जाता है, संसार सबका बाप है, ये सबका बाप है। ठीक है ना, नो एफ एक्स गिवन है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड, हमारा जो रूल है आप सबको पता है, बिना सोचे समझे ठोक दिया अपन ने। जरा देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ध्यान से देखो ये कौन है, कौन है, कोई बोल पा रहा है मन में, जो बोल पा रहा है इज वेरी गुड, कौन है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो गाइज ये बना फॉर्मूला, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। नाउ देखो बच्चों सिर्फ समझने का खेल है, बाकी तो लिखना होगा लिख देंगे अपन भाई, स्क्वायर है, एक्स में कुछ भी डालूँ, एक्स में मैं कोई सी भी वैल्यू डाल दूँ, बट ऊपर बैठा हुआ है स्क्वायर, एंड दैट विल ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये पॉजिटिव देगा, थ्री तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे एक्स में माइनस टू भी रखा था, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव पावर इवन जो रहती ना दैट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव, एंड माइनस की पावर ऑड जो रहता है ना दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। जिनको थोड़ा सा वीक रहता है सेक्शन तो प्लीज़ एनसीईआरटी में लिखें, तो अच्छी चीज़ है ना एनसीईआरटी में लिखो, नोट्स वोट्स आपको पता है कि ट्यूशन के नोट्स आपके नोट्स चले जाएंगे कहीं, पता नहीं मिलेंगे भी नहीं, धूल खा रहे होंगे, पर एनसीईआरटी हमेशा काम आती है, एनसीईआरटी में लिखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर वाली चीज़ लिखा करो आप। सो बच्चो क्लियर, पॉजिटिव पॉजिटिव। सो वी नो दैट, सो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, और जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फंक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो एफ डैश एक्स मेरा क्या आ रहा है, जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। क्या बात सबको समझ आई, क्लियर है बच्चों, कॉपी करें। हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन 19 पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन ही वाला। द इंटरवल इन विच वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चार ऑप्शन दे रखे हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस टू से जीरो, टू से इनफाइनाइट, जीरो से टू, सो वी हैव टू चूज देम, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ये कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, देखो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर माइनस एक्स, वी कैन सी दैट दे आर टू फंक्शन, सो वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल, क्लियर। सो बच्चो डी वाई बाय डी एक्स करा मैंने, तो एक्स स्क्वायर चुपचाप से बैठा तो ई की पावर माइनस एक्स और माइनस वन आएगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत किसी को, अरे ई का डिफरेंस ई का ही रहता है, माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा, देन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा टू एक्स, क्लियर है यहाँ पे, डन। फिर क्या बच्चा, टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स, क्लियर, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, डन। दिस इज माई डी वाई बाय डी एक्स, जरा और देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है,
क्या इसको मैं F-X करूँ? अपन को ये देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस एक्सरसाइज में, F-X मज़ा आता है, अगली टेंजेंट नॉवल में DY/DX, ठीक है। सो तो बात तो एक ही है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, X कॉमन आया, e^-X कॉमन आया, अंदर बचा 2-X, परफेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कॉमन सिंपल देखो, x ये रहा, x पर ये रहा, तो x कॉमन आ गया, e^-X e^x-X कॉमन आ गया, परफेक्ट। नाउ गाइस मुझे बात करनी है इंक्रीजिंग के लिए, मुझे बात करनी है बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सो गाइस देखो, x e^-X 2-X शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो f-X क्या कहेगा, 0 से बड़े वाली बात कर रहा है मुझे यहाँ पे, 0 से बड़े के लिए बात कर रहा है यहाँ पे, डन, परफेक्ट। नाउ देखो प्लीज़ कंसेप्ट देखो, ज़रा इसको देखना, e^-X को देखना बच्चों, x की वैल्यू कुछ भी हो, अपन ने क्वेश्चन सेकंड किया हुआ है इस एक्सरसाइज का, याद है e की वैल्यू होती है 2.57, मतलब ढाई, 2.5 मान लो, 2.5 होती है, तो भाई साहब e तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा ना। अरे भली याद है ना, ये डिस्कशन मैंने क्वेश्चन सेकंड में किया है, किसने नहीं देखा तो देखो, e की वैल्यू कुछ भी हो, 1 भी हुआ तो -1 हो जाएगा, तो -1/e हो जाएगा, 1/2.5 डिवाइड करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, मेरे क्या करना जो भी आए, पर आ तो पॉजिटिव ही है ना। सो बच्चों ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सो आई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, जैसे कि e की वैल्यू होती 2.5, सो e हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव। सो मैं बात कर सकता हूँ बच्चों, आगे चलते हैं, सो डेफिनेटली, सो x 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 2-X क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या ये बात तय है? भाई ये अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना बच्चों। सो x 0 से बड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे, ज़रा एक काम करो, इस x को वहाँ भेजा तो 2, सो क्या आया, x < 2, ऐसे लिखे इसको, अपन ऐसे लिखे ज़रा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो ये शार्प पॉइंट, ये शार्प पॉइंट x की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे मोड़ दिया मैंने, परफेक्ट। जरा देखो बच्चों, अगर नंबर लाइन बताओ, नंबर लाइन तो 0 ये रहा, 2 ये रहा, x कह रहा है 0 से बड़ा, ये x कह रहा है 2 से छोटा, तो कॉमन पार्ट क्या है बच्चों मेरे पास, क्या कॉमन पार्ट आया कि x बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेके 2। क्या बात समझाई, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही है क्योंकि e की वैल्यू 2.5 होती है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव रहा तो वो एक्सपोनेंट पावर, जरा सोचो जिसको नहीं आ रहा समझ में, जरा देखो e^-1 1/e तो 1/2.5, मतलब आ तो पॉजिटिव वैल्यू रही है ना, तो टेंशन नहीं लेना, तो ये पॉजिटिव तो ये दोनों पॉजिटिव, परफेक्ट, इनको होना पड़ेगा पॉजिटिव दोनों, x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दे रहा है, इसी कंडीशन निकाली x < 2, दोनों का कॉमन पार्ट जहाँ पर दोनों सेटिस्फाई हो जाएं कि ये तो हमेशा सेटिस्फाइड है, ये तो हमेशा खुश है, बात इन दोनों, तो दोनों 0 से लेकर 2 में सेटिस्फाइड, तो आपका आंसर क्या आया, डी आया, क्या बात क्लियर है गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड प्लीज़ MCQs बहुत अच्छे से करना। सो बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में दोस्तों के शेयर करें ताकि उनको भी पूरा बेनिफिट मिले। ओके बच्चों, थैंक यू।